फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है तो उसको तो देखने के लिए चलेंगे आगे। थोड़ा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है खेतों में खड़ा ऐसे ही छोड़ देते बिना बहाने होने कहीं भागता नहीं है। नाम भी है दा रखा हुआ, नाम भी है कुछ, नाम तो भेड़ का नाम तो है ना, चंदर है और वो लोकन है। रख रखाओ इतने सारे भेड़ का ये कर पाते हैं तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक मैनी ब्लॉग। दोस्तों आए थे खुले हवा खुले जगहों पे हवा लेने। आप देख सकते हैं मौसम भी बहुत अच्छा है और इस जगह का हरियाली भी बहुत खूबसूरत है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे बहुत सारे भेड़ हैं और इनके साथ एक ऑनर है, तो मैं सोचा कि इसके बारे में आज मैं जानकारी लूं और आप लोग को भी जानकारियां दूं कि किस प्रकार से इतने सारे भेड़ जो है, आप देख पा रहे होंगे इतने सारे भेड़ जो है किस प्रकार से एक इंसान जो है मैनेज करते हैं और इतने सारे भेड़ को कैसे में कहाँ रखते हैं, कैसे इसको क्या खिलाते हैं और इस भेड़ से इनको क्या लाभ होता है, तो हम चलकर इनसे जानकारी लेंगे और बात करते हैं। तो दोस्तों जो भेड़ के मालिक है उनसे मुलाकात करते हैं कि किस प्रकार से रख रखाव इतने सारे भेड़ का ये कर पाते हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं, बैठल जाए का दिक्कत, यही तो जिंदगी है ना। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? बिट्टू पाल। ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम नवादा, मेरा डिस्ट्रिक्ट नवादा हुआ। नवादा में कहाँ? बीजू बीघा गाँव है। बीजू बीघा, हाँ। अच्छा, यहाँ पर? यहाँ पर मेरा जीजा का घर है। अच्छा, इतना सारा भेड़ जो है आपका, कितना भेड़ है रखते हैं आप? 100 भेड़ है। 100 भेड़ है, हाँ। और इन लोग का जो रख रखाव कैसे? रख रखाव बस यही, सारा दिन चराते हैं, शाम को खड़ा करते हैं खेतों में, हाँ। फिर जब खाना खा लेते हैं, जब इससे खड़ा करके खाना खा लेते हैं, फिर पीते हैं, नहीं पाया जाता इसी के बाद। खेतों में खड़ा ऐसे ही छोड़ देते बिना बहाने होने कहीं भागता नहीं है? ना ना, कहीं नहीं भागा। नाम भी है गा रखा हुआ, नाम भी है कुछ? नाम तो भेड़ का नाम तो है ना, ये देखो चंदर है और वो लोकन है, भेड़ का भी नाम होता है। इसका कलर कला वाला क्या नाम है? ये चौन, क्या उसका नाम? चौवर ना, चौनवर। चौनवर, चौनवर, हाँ। अब वो बोला वो बच्चा जो है वो लोकन है। अच्छा, जिसका बच्चा है वो लोकन है, हाँ। बताइए आप नाम, तो 100 भेड़ियों का कोई नाम रखा हुआ है क्या? कुछ लोग का नाम रखा हुआ है? सबका नाम, सबका नाम है, सबका नाम है। नाम से बुला लेते आ जाता है? ना ना, उसे बुलाने को नहीं आता है, जो मतलब जैसे जो पुराना भेड़ होते हैं ना। अच्छा, पुराना जो भेड़िया होते हैं वो मतलब कि जान जाता है कि मुझे चराने के लिए ले जाता है, भेड़ भी पहचान लेता है। हम अगर जो आवाज लगाएंगे तो खुद दौड़ के मेरे पास आ जाएगा, कहीं भी आप बुलाइएगा आपके पास नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास आया। अच्छा, ऐसे एक्सप्लेन वाला हम लोग को दिखाइएगा कैसे आपका भेड़ आता है। ये बताइए कि 100 भेड़िया जो मरता भी होगा, धमका भी होगा? मरता भी है, बस बच्चा भी देता है जैसे कि। तो इससे आपको भेड़ियों से किस प्रकार से फायदा प्राप्त होता है, मतलब किस प्रकार से आपको फायदा है, कैसे इसका है? आप सेवा करते हैं, इससे आप क्या लाभ पाते हैं? इससे तो यही एक लाभ है, बस लाभ क्या है, बस समझ लीजिए कि इसी में हमको खाना पीना गुजारा, इसी से हम लोग का हो रहा है, इसी से सब कुछ सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या लाभ इससे आपको, इसको बेचते हैं या इसका दूध दूध होता है या क्या? बस इसे बेचते ही है, बेचते ही है वो जो बिकता है भाई। अच्छा, क्या बात है, अच्छा लगा आपसे जानकारी कुछ मिलता है। इन लोगों का सुनते हैं कि ऊन भी होता है? हाँ, ऊन भी होता है। ऊन भी होता है तो उसका भी कम्बल बनता है? कम्बल बनता है,
बनाने वाला अभी भी फिट बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, टाइम की वजह से आप इसका नहीं बना पा रहे। नहीं तो फिर भी इसका अभी भी इसका सेलिंग है उनका, मतलब अभी भी है सेलिंग है ना। तो इसका ऊन का कंबल बनता है या स्वेटर वेटर बनता है? वही स्वेटर भी बनता है, स्वेटर भी बनता है, सब बनता है इसका। अच्छा, वहाँ चला गया मेरा कुछ। हाँ हाँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है तो उसको तो देखने के लिए चलेंगे आगे। थोड़ा हम लोग भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये भेड़ को एडजस्टमेंट करते हैं और किस प्रकार से रख रखाव करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भागे जा रहे हैं और सौ भेड़िया जो है आगे निकल चुकी है। दोस्तों किस प्रकार से इतनी सारी भेड़ियों को ये मैनेज करते हैं, जैसे कि बता दिए किस प्रकार से इन लोग को बेच कर पेट भरते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसको पाला नाम करे हैं, कितना दिन इसको हो रहा है? आज ही दिया बच्चा। अच्छा, आज ही बच्चा दिया है? बहुत क्यूट बच्चा है। तो दोस्तों बस यही जानकारी करने के लिए हम लोग इस जगह पे आए थे। चलिए मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।